हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक जैसे क्वेश्चंस हैं, दो कर लिए, आ गया, कर लेंगे। ऐसे नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी दो क्वेश्चंस करने से ये बात पक्की नहीं हो रही है कि हम मिस्टेक तो नहीं कर देंगे बाई चांस। हर क्वेश्चन में छोटी छोटी ट्रिक्स छुपी हुई होती हैं जो करने के बाद पता चलती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये हमारा कोफिशिएंट दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। आप हमेशा याद रखना, चेक करना कि सबसे पहला टर्म एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, फिर एक्स वाला होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो हम पहले इसको रीऑर्डर करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे 6x² - 7x - 3। जैसे आपका ये वाला फॉर्म आ गया, अब हम रेडी हैं करने के लिए। ठीक है, स्टेप वन याद है आपको, स्टेप वन क्या था? क्विकली मुझसे पहले आपको आना चाहिए, यस, फाइंड द जीरोस। सो 6x² - 7x - 3 = 0। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब सेकेंड स्टेप, यस, फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे करेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 2x - 3 = 0। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, मैंने तो मेंटली कर लिया है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 2x - 3, 2x - 3 = 0। नोटिस करो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमेशा सेम आता है। ओके, सो दिस गिव्स अस 3x + 1 एंड 2x - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में या तो ये जीरो लिख होगा या ये जीरो होगा। सो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप है। आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, हम बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है हर बार। x = -1/3 और x = 3/2। ओके, सो देयरफॉर द जीरोज आर -1/3 एंड 3/2। अब हमारे पास दो जीरोज आ गए, पहला पार्ट हो गया, फाइंड द जीरोज। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशंस। जीरोज तो हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, कोफिशंस निकाल लेते हैं। सो कोफिशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर 6x² - 7x - 3 विद ax² + bx + c। अब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए, और यहाँ एक्स का कोफिशियंट है 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6। एक्स का कोफिशियंट है बी, तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, -7, तो बी की वैल्यू हो गई -7। कॉन्स्टेंट टर्म है सी, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है -3, हम लिखेंगे c = -3। तो कोफिशिएंट आ गए। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ रिलेशनशिप दिखाना है। सम ऑफ जीरोस, जल्दी से बताओ क्या होगा, इक्वल टू, यस, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। वेरी गुड, ऑल राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड है सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है, -1/3 एंड 3/2। सो -1/3 + 3/2। सो एलसीएम लिया 6 - 2 + 9, ये आ गया 7/6। इसका राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। सो -b/a = - मैंने आपको पहले भी बताया था, ये माइनस लगा के ब्रैकेट जरूर लगाना। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हम बी की वैल्यू डाल देंगे, -7 अपॉन ए, ए की वैल्यू है 6, तो ये हो गया 7/6। सेम आ गया ना, वेरी गुड। अब हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो है माइनस वन बाय थ्री एंड थ्री बाय टू. सो माइनस वन बाय थ्री इंटू थ्री बाय टू, ये तो कैंसिल हो गया. सो हमारे पास आ गया माइनस वन बाय टू. राइट हैंड साइड है सी बाय ए. सी की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री. ए की वैल्यू कितनी है? सिक्स. तो ये अभी हमारा माइनस वन बाय टू. अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालना है. सिंस ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.